से पकाना है इसको, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में। हेलो एवरीवन, आपके साथ एक और रेसिपी मैं जा रही हूँ शेयर करने, जो कि है पॉम्फ्लेट, और ये बहुत महंगा मछली है। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए 2 पॉम्फ्लेट, हम लोग देख के आएंगे, ये है 1/2 किलो, और चाहिए नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, और ये है लहसुन का पेस्ट। तो अब इसमें डालेंगे हम अपना सामान, थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें आप, और डालेंगे हल्दी, थोड़ा सा डाल देते। इसमें डाला मैंने 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और उसको कर लूँगी बंद। अब डालेंगे हम इसमें मिर्च पाउडर, मिर्च भी आपको जितना तीखा चाहिए उसके अकॉर्डिंग डालें, जो कम मीडियम वाला चाहिए तो उसमें डाला मैं 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और अब डालेंगे इसमें हम अपना लहसुन, भी हो चुका है डन। अब इसको अच्छे से मिला देंगे दोनों साइड ऐसे उलट पुलट के, और ये बनेगा तवा फ्राई पॉम्फ्लेट, पैन फ्राई, तवा फ्राई पैन फ्राई जो भी। अच्छे से मसाला लगा देना है इसके पूरे आजू बाजू, पीछे आगे पीछे सब। हो चुका है मसाला मेरा, लग चुका है। अब इसको मैं रख दूंगी थोड़ी देर रेस्ट पे, 5 से 10 मिनट। एक पॉम्फ्लेट मैंने ऑलरेडी फ्राई कर लिया है, मैं दूसरा पॉम्फ्लेट फ्राई करके दिखाती हूँ। देखिए ये है तवा, इस तवा में डाला है हमें तेल पहले ऑन करने के बाद, इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता तो थोड़ा सा तेल लगा के बस इसको ऐसे ऐसे फैला के, और ये रहा हमारा मैरिनेटेड मछली। इसका सारा मसाला मैं इस पर लगा देती हूँ, और इसको जैसे गर्म हो जा रहा है ये तो इस पर रख देंगे हम, ये सारा मसाला वेस्ट नहीं करना है, इसको भी लगा देना। अब इसको ऐसे उलट पुलट करके बनाना है, एक साइड से ये पक चुका है, अब इसको पलट देंगे, आराम आराम से पलटेंगे। आप इसको कर रहे हैं, ये पलट चुका है, कितना अच्छा लग रहा है देखेंगे, कलर कलर बहुत अच्छा लग रहा है। इस साइड दूसरी साइड से पकाना है इसको, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता पकने में। ये हमारा पॉम्फ्लेट अच्छे से फ्राई हो चुका है, सैलो फ्राई जो हमने करना था, डीप फ्राई नहीं करना था, अभी हो चुका है। अब कर देंगे हम गैस ऑफ, और इसको भी निकाल देंगे हम प्लेट में, ये रहा प्लेट। हाय कितना अच्छा लग रहा है देखने में, हमारा फिश फ्राई हो चुका है रेडी। अब इसके ऊपर बस आप नींबू डालिए थोड़ा सा और खा लीजिए, मस्त टेस्टी। सो डू ट्राई दिस रेसिपी, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा बनाने के बाद, टेस्ट कैसा आया। मेरे को तो बहुत पसंद है, मतलब घर पे बट मैंने आज पहली बार बनाया, वैसे मैंने बाहर खाती रहती हुई है। ओके चलिए, इस वीडियो का मैं एंड यही कर देती हूँ।
मिलते हैं आप लोग को नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड प्लीज डू ट्राई दिस रेसिपी एंड लेट मी नो। थैंक यू।